हमारी जो आज की रोमांटिक लव स्टोरी है वो टोटली डिफरेंट है। अब तक आपने ऐसा देखा होगा कि हीरो हीरोइन को सीक्रेट लवर बना करके रखता है, बट इस कहानी के शुरुआत में ही हम लोग देख रहे हैं कि जियो जो कि इस कहानी के हीरोइन है, उसने पेंग को उसे 3 सालों से अपना सीक्रेट लवर बना करके रखी हुई है, और आज उसका हस्बैंड यान फॉरेन ट्रिप से वापस लौट रहा है आफ्टर 3 ईयर्स, और इसी वजह से वो यहाँ से अब फेंग से ब्रेकअप करना चाहती है, और वो उसे अच्छा खासा कंपनसेशन फी और ये विला जिसमें कि वो लोग 3 सालों से रह रहे हैं वो देते हुए ब्रेकअप करके वहां से जाने की बात कर रही थी। लेकिन हमें फेंग के बिहेवियर से ये पता चलता है कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है जियो से अलग होकर के। जियो से कहती है कि एक्चुअल में अब उसका हस्बैंड वापस आ रहा और वो उसके साथ कोई भी रिलेशनशिप में नहीं रह सकती है, इसी वजह से वो ब्रेकअप करके वहां से चली जाती है। लेकिन अब वो खुद उसे फेंग के साथ रहने की आदत हो गई थी। जियो जब वहां से निकालती है तो हमें पता चलता है कि फेंग एक्चुअल में कोई मेल मॉडल नहीं है, वो खुद ही इस शहर का सबसे रिचेस्ट फैमिली से बिलोंग करता है। लेकिन वो यहाँ पर जियो के साथ 3 सालों से सीक्रेट लवर बन के क्यों रह रहा था, खैर ये तो हमें बाद में ही पता चलने वाला है। दूसरी साइड हम लोग देखते हैं कि जियो अपने हस्बैंड यान को एयरपोर्ट से रिसीव करने के लिए जाती है और वो अपनी गर्लफ्रेंड लियांग को लेकर के आया हुआ था। फ्लैशबैक में हम लोग देखते हैं कि जब जियो की शादी यान से होने वाली थी तो वो खुद के हस्बैंड यान को अपनी ही बेस्ट फ्रेंड लियांग के साथ इंटीमेट होते हुए देख लेती है, और वो कहती है कि तुम लोगों को क्या मुझे इस तरीके से धोखा देना ज़रूरी था। उस समय जियो के पैर में से चोट लगा हुआ था। जियो उसे कहता है कि अगर फैमिली का प्रेशर नहीं होता तो तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी गर्लफ्रेंड लियांग को छोड़ करके कभी तुमसे शादी करता, कोई चांस ही नहीं है। और आज जब यहाँ पर इन 3 सालों बाद यान जियो से मिलता है तो जियो का बिहेवियर काफी चेंज था। लियांग के एक्टिंग से वो समझ जाती है कि लियांग प्रेग्नेंट है। वो उसे कहती है कि देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम लोगों के रिलेशन से, वैसे भी मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना था, चलो पहले मैं तुम लोगों को घर छोड़ देती हूँ। ऐसा कहते हुए वो उन लोगों को घर छोड़ने के लिए जाती है। यान लियांग को उसके घर छोड़ करके आता है तो फिर वो उसे कहता है कि अगर तुमने लियांग को हर्ट करने का कोशिश किया या ग्रैंडफादर को बताया तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो इस बात पे जियो से कहती है कि ये सब बकवास करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तुमसे ये बात करना चाह रही थी कि मैं तुमसे डाइवोर्स लेना चाह रही हूँ। यान कहता है कि तुम ये सब कुछ सिर्फ मेरा अटेंशन पाने के लिए कर रही हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। वो कहती है नहीं, 3 साल तक रिलेशनशिप में रह के देख लिया मैंने, कोई फायदा नहीं है, इसी वजह से मैं सोच रही हूँ मैं तुम दोनों के लाइफ के बीच में क्यों ही आने जाऊँ, तुम अपनी लाइफ जियो और मैं अपनी लाइफ जीना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर यान फैमिली की वजह से जियो से डाइवोर्स नहीं लेना चाहता था, तो वो कहती है कोई बात नहीं मैं खुद ही जा कर के ग्रैंडफादर से इस बारे में बात कर लूँगी। फिर वो अपने ससुराल जाती है जहाँ पर के लियान की मोम जियो को देख यान की मोम जियो को देख के बहुत खुश थी, लेकिन वो यान को डांट लगा रही थी कि तुम फिर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही आए हो ना। वो ऐसा देख रहा होता है कि जियो ने उसके मम को बताया था, वो कहती है कि एयरपोर्ट पर तुम्हारे फोटोज क्लिक करके किसी ने इंटरनेट पर डाल दिया है और सब कह रहे हैं कि तुम्हारा अफेयर चल रहा है। वो गुस्सा करके कमरे में अंदर चले जाता है। जियो यान के मम को काम डाउन करती है और कहती है गुस्सा नहीं करने के लिए। इसके बाद वो लोग डाइनिंग टेबल पर जाते हैं जहाँ पर जियो जैसे ही डाइवोर्स के बारे में बात करना चाह रही थी तो ग्रैंडफादर कहते हैं अभी फिलहाल हमारी कंपनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आने वाला, और अगर ये इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हमें मिल जाता है तो फिर हमारी कंपनी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और उसके लिए हमें फेंग से वो जो है कॉन्ट्रैक्ट वो लेना पड़ेगा। लेकिन फेंग का नाम यहाँ पर जियो को सुना सुना सा लग रहा था। ग्रैंडफादर यान के यहाँ पर उन्हें एक इन्विटेशन देते हैं जहाँ पर कि फेंग के मोम का बर्थडे था, और उन्हें कहते हैं कि अच्छे से गिफ्ट वगैरह लेकर के जाना। जियो को ना जाने क्यों बार बार ऐसा लग रहा था कि फेंग उसके सीक्रेट लवर का नाम है, और यहाँ पर वो फेंग की फोटो फोटो मांगते हैं ग्रैंडफादर से, तो वो कहते हैं कि वो बहुत ही सीक्रेट तरीके से अपनी आइडेंटिटी को हाइड करके रखा हुआ और हमें उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अभी नहीं मिल पाया। जियो सोचती है कि इसकी फैमिली ने उसके साथ काफ़ी अच्छे से बिहेव किया है इन 3 सालों में, तो ये इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उन्हें दिला करके फिर डाइवोर्स का बात करेगी जिससे कि सारा एहसान उनका पूरा हो जाएगा। अब यान लियांग के पास जाना चाहता था लेकिन उसकी मॉम डांटते हुए उसे रोक देती, तो आज या तो उसे यहीं स्टे करना पड़ेगा। वो लियांग को कॉल करके काम डाउन कर रहा था कि वो कल सबसे पहले उससे मिलने के लिए आएगा। इधर जियो सोच रही थी कि जब वो यान के साथ थी तब उसने कभी भी उसे इस तरीके से रिलैक्स फील नहीं कराया, उसका तो फोर्स केस भी फेंग के साथ रहा था जब उसके साथ क्लब में मिली थी, तभी वहां पर उसे उसका कॉल आने लगता है
और फेंग उसे मिलने के लिए बुलाता है, जिस बात पे जे उसे कह देती है कि अगर तुम्हें ब्रेकअप फी कम लग रहा है तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हें और सारा ब्रेकअप फीस सेंड कर दूंगी, लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे पास वापस हूँ। मैंने कहा था कि मेरा हस्बैंड वापस आ चुका है, तो हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। फेंग उसे कहता है कि तुम सच में अपने हस्बैंड के लिए मुझसे ब्रेकअप करना चाह रही हो। जो कहती है ऑब्वियसली, चलो फ़ोन रखो, मेरा हस्बैंड आ रहा है। ऐसा कहते हुए फ़ोन रख देते, और फेंग को ये बात ईगो पे लग गया था कि आज तक उसे किसी ने इस तरीके से नहीं छोड़ा, और जो कैसे छोड़ सकती है। दूसरा सीन हम लोग वही पार्टी का देखते हैं जहाँ पर कि यान और जियो दोनों कपल बन करके वहाँ पर गए हुए थे। वहाँ पर लियांग भी आए हुए थे। उसे देखते ही यान उसे कहता है, अरे कोई बात नहीं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अच्छा चलो पार्टी में आई गई तो पार्टी एंजॉय करो, पार्टी के बाद हम साथ चलेंगे। यहाँ पर जियो उसे कह रही है, शायद तुम्हें पता होगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे ग्रैंडफादर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिलहाल कुछ टाइम अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड से बात नहीं करोगे तो बेहतर होगा। लिया यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग दिखाने का एक्टिंग करती है, लेकिन एक्चुअल में वो बहुत ही बदमाश थी। अब इधर हम लोग देखते हैं कि सब लोग अपना पार्टी वार्टी एंजॉय कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद गिफ्ट देने का सेशन आता है, जहाँ पर कि जब लियांग फेंग की मोम को गिफ्ट देने के लिए जाती है तो वो उसमें कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं थी। बहुत सारे लड़कियाँ उनके लिए गिफ्ट लेकर के आई थी। बारी थी यहाँ पर जियो के गिफ्ट देने की। जियो उन्हें एक इंस्टेंट स्टिक बना करके देती है, जो कि काफ़ी अच्छे स्मेल कर रहा था, और उस ये फेंग की मोम को पसंद आ जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर लियांग उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि सब इतने महंगे महंगे गिफ्ट दे रहे हो, और तुम तो अपने हाथों से बना करके इन्हें गिफ्ट दे रहे हो, ज़्यादा ही सस्ता नहीं हो गया? यान यहाँ पर जियो पर गुस्सा करने लगता है, तो जियो फेंग की मोम को समझाती है कि एक्चुअल में ये एक स्पेशल इंस्टेंट स्टेक है। मैंने अपने मास्टर से सर दर्द और नींद ना आने की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसे कैसे बनाते ये सीखा था। मैंने इसमें कुछ दवाओं को ऐड किया है जिससे कि 110% आप पर असर करेगा, और ये स्टिक एक्चुअल में फेंग की मोम को बहुत ही पसंद आता है, और उसे अपने पास रखती है, उसकी बड़ाई भी करती है कि सच में इसका स्मेल बहुत ही अच्छा है। ये देखते हैं यहाँ पर लियांग का मुंह बन जाता है। वो लोग जब वहाँ से जाते हैं तो लियांग को डांटते हुए जो कहती है कि तुम्हारे इस बकवास हरकत की वजह से हमारे हाथ से ये कॉन्ट्रैक्ट आते आते जा रहा था, मैं होप करूंगा कि दोबारा तुम ऐसा ना करो। लियांग कहने लगती है, अरे नहीं नहीं मैंने तो उससे जानबूझ करके नहीं किया, और वो पेट दर्द होने की एक्टिंग करने लगती है। जहाँ पर कि यान फिलहाल लियांग को साइड में लेकर के जाता है क्योंकि उसके पेट में दर्द हो रहा था। यहाँ पर एक लड़की आती है जो कि जियो से बात कर रही थी कि एक्चुअल में उसका नाम जिया है, और वो यहाँ पर फेंग को पसंद करती है, तो उसे इम्प्रेस करने के लिए उसकी मॉम को पटाने के लिए जियो का वो एंसल स्टिक का वो फार्मूला सीखना चाहती है। अब वो उसे वो फार्मूला सिखाने के लिए तैयार हो जाती है। बहुत सारी लड़कियाँ उससे वो फार्मूला लेने के लिए रेडी हो जाती है क्योंकि यहाँ पर सब फेंग को पसंद कर देते। अब जियो की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि भाई वो है कैसा जो कि यहाँ पर सभी उसे इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तभी वहाँ पर थोड़ी देर बाद एंट्री होती है फेंग की। उसे देख करके तो जियो को जो बड़ा झटका लगता है कि बस पूछो ही मत। उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि 3 सालों से वो जिस लड़के को अपना सीक्रेट लवर बना करके रखी है वो कोई और नहीं, शहर का सबसे रिचेस्ट इंसान फेंग है। बट उसके दिमाग में बहुत ही सारे सवाल चल रहे थे, अगर वो इतना रिचेस्ट इंसान है तो फिर उसने जियो की बात मानी क्यों? वो कन्फर्म करने के लिए फेंग को कॉल करती है और फेंग उसका फ़ोन उठा लेता है। अब तो जियो की हालत ही ख़राब हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा वाइन पीने लगती है, और 3 साल पहले क्या हुआ था वो याद कर रही थी। जब यान शादी के जस्ट बाद लियांग को लेकर के फॉरेन निकल गया था तो वो क्लब में गई हुई थी, जहाँ पर कि वो फेंग से मिलती है, और फेंग को वो एक कॉल बॉय समझ लेती है। वहाँ पर नशे में होने की वजह से वो दोनों रोमांस करते हैं, और फिर अगली मॉर्निंग यहाँ पर जियो सोचती है कि वैसे भी तो यान अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गया है तो भला वो क्यों यहाँ पर सती सावित्री बन कर के रहे। और तब से वो और फेंग यहाँ पर हिडन रिलेशनशिप में थे। अब जियो ये सोच सोच करके काफ़ी परेशान थी। तभी वहाँ पर यान आता है और वो जियो को कहते हैं कि चलो फेंग से मिलने के लिए चलते हैं हम लोग, क्योंकि उसी से तो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करना है। यान यहाँ पर फेंग से बात करने के लिए जाता है, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करता है तो वो मना कर देता है। तो वो पूछता है कि आखिरकार हमारी फैमिली ने आपको ऑफेंड कैसे किया, आप बताओ। तो वो कहता है, मुझे लगता है तुम्हें जियो से इस बारे में पूछना चाहिए। यान उस पर गुस्सा करने लगता है कि आखिरकार उसने यहाँ पर फेंग के साथ क्या किया है जो वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना कर रहा है। जियो तो सोच रही थी कि वो जानबूझ कर उसे परेशान करने के लिए कर रहा है। जियो उसे कहती है, एक्चुअल में 3 साल पहले गलती से मैंने फेंग की कार स्क्रैच कर दी थी, इसके बाद मैंने 1000 जुआन दे करके चले गए, मुझे नहीं पता था कि वो फेंग की कार है। यान जियो की तरफ से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि एक्चुअल में जियो को नहीं पता था, लेकिन फेंग उसे जाने नहीं देता, और पनिशमेंट के लिए वो उसे बहुत ही हार्ड वाइन पीने के लिए बोलता है।
एक दो शॉट में ही जियो की हालत खराब होने लगती है, तो उसके सपोर्ट के लिए यहाँ पर यान आता है, क्योंकि कंपनी और फैमिली के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट लेना काफ़ी ज़्यादा जरूरी था। लेकिन दो शॉट लगाते उसके पेट में काफ़ी तेज़ दर्द होने लगता है और वो वहाँ से वॉशरूम चले जाता है। अब जियो को ही वो सारा शॉट कंप्लीट करना पड़ता है। पीने के बाद वो वहाँ से गुस्सा करके जा रही थी, क्योंकि उसे पता था कि फेंग उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं देने वाला है। तभी गलती से वो एक लड़की से टकराती है और यहाँ पर रेड वाइन उसके ड्रेस पे गिर जाता है। वो लड़की कहती है, चलो मैं तुम्हें ड्रेस चेंज करा देती हूँ। वो फेंग के फैमिली की ही थी, अब ऐसे ड्रेस में तो जियो पार्टी में रह नहीं सकती थी। तो वो उसे कमरे में लेकर के जाती है और कहती है कि ये ड्रेस पहन लो, इस कमरे में वैसे भी 3 सालों से कोई रह नहीं रहा है, तो यहाँ कोई आएगा नहीं। तो वो ओके कह के वहाँ से चली जाती है। जियो जैसे ही ड्रेस चेंज कर रही थी तो वहाँ पर फेंग आता है। वो कहता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। जियो कहती है कि एक्चुअली में उस लड़की ने कहा था कि 3 सालों से इस कमरे में कोई रह नहीं रहा, तो कोई यहाँ पर आएगा नहीं, इसी वजह से मैं ड्रेस चेंज करने के लिए आ गई थी। फ्रेंक कहता है, हाँ एक्चुअली में ये कमरा मेरा है और 3 सालों से मैं तो तुम्हारे साथ था ना, तो फिर मैं यहाँ कैसे आऊँगा। फ्रेंक से वो पूछता है कि फ्रेंक उसे कहता है काम करो, तुम चेंज कर लो, बाद में बात करते हैं। लेकिन वो वहीं खड़े होकर उसे ताड़े जा रहा था। जियो कहती है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा ही ऑकवर्ड हो रहा है। फ्रेंक कहता है, नहीं ऐसा थोड़ी, जो मैंने कभी तुम्हें देखा नहीं, जो तुम इतना शर्मा रही हो। जियो सोचती है, हाँ ये भी बात सही है, और फिर वो उसी के सामने इस तरीके से चेंज करने लगती है। तभी फ्रेंक उसे अपने करीब खींचता है और उसे किस करने लगता है। यहाँ पर उसे बार बार यान का कॉल आ रहा था, तो वो फ़ोन उठाती है। वो कहता है कि वो फिलहाल पार्टी में रुक नहीं पाएगा, वो जा रहा है, वो टैक्सी लेकर के घर चले जाए। जियो फ़ोन कट करती है और फिर फ्रेंक के सामने ड्रेस चेंज करती है। वो उसे कहता है कि देखो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, तुम एक काम करो, सबसे पहले तो यान को छोड़ करके तुम मेरे पास आ जाओ। जियो हंसते हुए कहती है कि मैं यहाँ पर यान की लीगल वाइफ होना छोड़ करके तुम्हारी सीक्रेट लवर आ करके बन के रहो, तुम यही कहना चाह रहे हो ना। हालांकि फिंग का ऐसा कोई इरादा नहीं था। जियो उसे कहती है कि भले ही यान की फैमिली तुम्हारी तरह रिच नहीं है, लेकिन किसी के लीगल वाइफ बन करके रहना मैं ज़्यादा पसंद करूँगी तुम्हारी सीक्रेट वाइफ बनने से। फिंग उसे कहता है, मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा। तो जियो कहती है, 3 सालों से हम सिर्फ फन कर रहे थे, हमारे बीच कोई रिलेशन नहीं था, पर तुम इसे इतना सीरियस क्यों हो रहे हो, तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगी और बेहतर होगा कि हम लोग सिंपल तरीके से ब्रेकअप कर ले। तुम्हें जो चाहिए था वो मिला, मुझे जो चाहिए था वो मिला, डिस्टेंस मेंटेन करके रखने में ही फ़ायदा है। अब फेंग यहाँ पर जियो को इतनी आसानी से नहीं जाने देने वाला था, क्योंकि वो उसके ईगो को हर्ट कर रही थी। और जियो सोचती है कि फेंग से पंगा लेना सही नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा रिच और स्ट्रांग है, और फिर वो उसके फैमिली के लिए कभी भी पंगे क्रिएट कर सकते हैं, इसीलिए वो फेंग से थोड़ी दूरी बना करके रखना चाह रही थी। फेंग गुस्सा करके वहाँ से चले जाता है। इसके बाद हम लोग यान के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि उसके ग्रैंडफादर उसे पूछ रहे थे कि ऑफिस में काम कैसा चल रहा है। तो वो कहता है कि बहुत ही बेकार, जियो ने यहाँ पर फेंग को ऑफेंड किया है और वो यहाँ पर हमारी कंपनी के साथ डील साइन करने से साफ तौर पर मना कर रहा है। इतना ही नहीं, वो उसने ओपन बिडिंग कर दिया है, जहाँ पर कि बहुत सारी कंपनीज में अप्लाई कर रहे हैं। अब ग्रैंडफादर कहते हैं, कोई बात नहीं, जब तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले पा रहे हैं तो जाने दो। वो कहते हैं, जियो ने यहाँ पर पंगा किया है और आप लोग इतनी आसानी से उसे जाने दे रहे हैं। जियो सोचती है कि वैसे भी प्रॉब्लम उसकी वजह से हुई है, तो उसे सॉल्व करना चाहिए। वो ग्रैंडफादर से कहती है कि कोई बात नहीं ग्रैंडफादर, वो जल्दी ही यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट उनके लिए ले करके आने का कोशिश करेगी। और वो फेंग से मिलने जाने का डिसाइड करती है। जब वो उसके ऑफिस जाती है तो यहाँ पर उसके पास फेंग से मिलने का अपॉइंटमेंट नहीं था, इसीलिए जो ये लेडीज थी उसे जाने नहीं देती है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर वो लोग जियो का इंसल्ट भी कर रही थी। जियो यहाँ पर डायरेक्ट फेंग को कॉल करती है और कहती है कि वो उससे मिलने के लिए आई हुई है। तो बॉडीगार्ड उसे वहां से लेकर के जाता है। उसका सेक्रेटरी उसे वेट करने के लिए बोलता है, जब तक फेंग यहाँ पर मीटिंग में है आ नहीं जाता। जियो ऑफिस में देखती है कि फेंग के टेबल पर एक छोटी बच्ची का फोटो रखा हुआ। उसे ऐसा लगता है कि फेंग की ये बेबी होगी, और ये देख करके उसे थोड़ा सा बुरा लगने लगता है। तभी यहाँ पर फेंग आता है। जियो उससे पूछती है कि क्या ये तुम्हारी बेबी है। तो फेंग कहता है कि तुम्हारे अलावा मुझे किसी और के साथ फ्लर्ट करने की कोई आदत नहीं है। जियो इस बात पर कुछ नहीं कहती है, वो उसे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। तो जियो कहती है कि एक्चुअल में तुमने मेरे हस्बैंड यान के साथ कॉपरेशन करने से मना कर दिया, इसी वजह से वो यहाँ पर उससे रिक्वेस्ट करने के लिए आई हुई है। फिर कहता है, मैं तुम्हारी कंपनी के साथ डील साइन क्यों करूँ, तुम्हारे जैसे बहुत सारे कंपनीज हमें डील ऑफर करने के लिए रेडी हैं। जियो उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो प्राइवेट और पर्सनल लाइफ को एक क्यों ना वो थोड़ा दिमाग लगा करके सोचे और हमें वो कॉन्ट्रैक्ट दे दे। फेंग यहाँ पर उसे कहते, तो ठीक है आकर के मुझे प्लीज करो। जियो उसके गोद में बैठ करके उसे किस कर रही थी और फिर पूछती है कि क्या वो उसे कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए तैयार है। तो फेंग कहते, तुम्हारा ये गर्ल शाम मुझ पर काम नहीं करने वाला है।
जो उस पर गुस्सा करते हो कहते तुम्हें पहले बोलना चाहिए ना, मैं बेकार में इतनी मेहनत कर रही हूँ। फिर वो फिंग से पूछते अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है जिसके थ्रू तुम मेरे कंपनी को वो कॉन्ट्रैक्ट दे दो? फिंग कहता है ना, तुम इस तरीके से यहाँ को छोड़ो और मेरे उस ग्रीन विला में शिफ्ट हो जाओ। जो सोचती है कि वैसे भी वो तो यहाँ पर यहाँ से अलग हो ही रही है, तो फेंग का मन रखने के लिए उसकी बात मान लेती है। तो वो कहती थी ठीक है तुम अपना वो कॉन्ट्रैक्ट भेजो यान की कंपनी में, मैं उस विला में शिफ्ट होने के लिए रेडी हूँ। फिर वो घर चली जाती है। और दूसरी साइड हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर यान को जब वो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो वो सोच रहा होता है कि जियो आज मिलने के लिए गई फेंग से और फेंग ने उसे वो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, और वो 3 बार से उसकी कंपनी में जा रहा है और वो हर बार उसे रिजेक्ट कर रहा है। कहें जियो का फेंग के साथ कोई अफेयर तो नहीं चल रहा है? तो उसके सेक्रेटरी उसे कहती है अरे नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, तुम 3 बार मिलने के लिए गए थे इसलिए उन लोगों ने तुम्हारा बात मान लिया होगा। दूसरी साइड जो अपने फ्रेंड को बता रही थी कि एक्चुअली में फाइनली उसे वो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, और ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही कुछ दिनों में वो यहाँ पर ग्रैंडफादर से बात करके यहाँ से डिवोर्स लेने के लिए बोलेगी। दूसरी साइड हम लोग देखते हैं कि रात में घर पे फेंग जियो को कॉल करता है और कहता है कि तुम अभी तक इस ग्रीन विला में आए नहीं। जियो कहती है हाँ मैंने कहा था कि मैं उस ग्रीन विला में शिफ्ट होंगी, लेकिन ये नहीं कहा था कि कब, मैं अगले 5 सालों में जियो विला में शिफ्ट होने के लिए सोच रही हूँ। फेंग को इस बात से बहुत गुस्सा आता है क्योंकि जियो ने यहाँ पर उसका उल्लू काटा था। अगले दिन हम लोग जियो के ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पर कि एक नई एम्प्लॉय आई हुई थी और वो फॉरेन के कॉलेज से पढ़ी हुई थी। तो सब यहाँ पर ये कह रहे होते हैं कि जियो का पोजीशन तो खतरे में है यहाँ पर उस गर्ल के आने से, जो बॉस है वो जियो का उसका सुबह वाली मॉर्निंग का एंकर से देने के लिए सोच रहा है। ये यहाँ पर न्यूज रिपोर्टिंग के फील्ड में काम किया करती थी। और वो जो न्यू गर्ल आने वाली थी जियो देखती है कि वो कोई और नहीं है लियांग है। लियांग यहाँ पर आकर के जियो से बात करने लगती है तो सब उससे पूछते हैं कि क्या वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। लियांग कहती है हाँ हम दोनों क्लासमेट्स हुआ करते थे। वहां पर सब लियांग के साथ काफी अच्छे से बिहेव कर रहे थे और उसे अप्रिशिएट कर रहे थे। ऑफिस में जब मीटिंग होती है तो जियो को पता चलता है कि एक बहुत ही बड़े कंपनी का सीईओ का यहाँ पर इंटरव्यू होने वाला है, और जो भी उसके साथ इंटरव्यू कंप्लीट करने का ये जिम्मा ले लेगा, मतलब कि उसे मना लेगा, तो उसे 9 AM वाले वो जो मॉर्निंग का एंकरशिप है वो मिल जाएगा। मेन यहाँ पर तो पंगा जियो और लियांग के ही बीच आ रहा था, लेकिन जब जियो को पता चलता है कि वो बिजनेसमैन कोई और नहीं फेंग है तो उसे ऐसा लगने लगता है कि अब तो कोई चांस नहीं है कि उसे ये मौका देने वाला है। रात में वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को नीचे जमीन पर फेंक करके वापस से फेंग को कॉल करती है। अभी तो कल ही तो उसने उसे रिजेक्ट किया था। फेंग उसे कहता है क्या हुआ तुम्हें, तो बड़ा मेरी याद आ रही है? जियो कहती है कि एक्चुअल मैं यहाँ पर एक एंकर बन के तुम्हें कॉल कर रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ इंटरव्यू लेना चाहती हूँ तुम्हारा। फेंग उसे मना कर देता है और कहते हैं कि हाँ अगर वो उसे इम्प्रेस करेगी तो फिर वो सोच सकता है। तो जियो कहती है फिलहाल तो वो नहीं आ सकती, वर्क रिलेटेड काम है इसलिए वो कल आ जाएगी। तो फेंग उसे कहता है ठीक है कल गोल्फ क्लब में आ जाना। जियो इस चीज़ के लिए रेडी हो जाती है और सोचती है कैसे ना कैसे करके उसे फेंग को मनाना ही होगा। जब जियो अगले दिन जाती तभी कोई वहां आए हुए नहीं थे, लेकिन यहाँ पर जियो के पास कोई यहाँ का मेंबरशिप कार्ड नहीं था, इसी वजह से उसे इंटर नहीं देने जाता था। वो जब कहती है कि मैं यान की वाइफ हूँ, उसके पास तो मेंबरशिप है ही, तो लेडी कहती है लेकिन यान की वाइफ लियांग तो यहाँ पहले से ही आई हुई है। अब वहां का मैनेजर आता है और कहता है कि तुम दोनों में से यान की असली वाइफ कौन है? लियांग यहाँ पे यान को खुद की असली वाइफ बता रही थी। तभी यहाँ पर फेंग अपने कुछ लोगों के साथ आता है। वो लोग फेंग से पूछते हैं तो फेंग कहता है मुझे नहीं पता कि इनमें से उसकी असली वाइफ कौन है, वो यहाँ पर जानबूझ करके जियो का हेल्प नहीं कर रहा था। लियांग सोचती है कि अगर यहाँ पर फेंग को पता चल गया कि मैं उसकी असली वाइफ नहीं हूँ तो फिर तो वो मुझे कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं देने वाला इंटरव्यू का। फेंग उसे कहता है कि तुम यान को कॉल करके पूछ लो ना कि कौन हो तुम्हारी असली वाइफ, और यान यहाँ पर इतना बदमाश है कि वो सबके सामने यहाँ पर लियांग को कह देता है कि वो उसकी असली वाइफ है। अब जियो को फिर भी इस क्लब में जाना था, सब उसका मजाक उड़ा रहे थे, तो जियो मेंबरशिप लेने के लिए तैयार हो जाती है। करीब 2 मिलियन पड़ रहा था। जैसे ही जियो अपना कार्ड निकालती है ना तो सब ये देख करके शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वो लिमिटेड एडिशन कार्ड था जो कि पूरी दुनिया में केवल 500 है। तो सब यहाँ पर जियो को अंदर लेकर के जाते। अब फेंग सोच रहा था कि आखिरकार जियो की आइडेंटिटी है क्या, क्या वो सच में इतनी ज्यादा रिच है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर लियांग जो है वो फेंग से बात करने के लिए आती है और वो उसे इंटरव्यू के बारे में बोल रही थी, तो वो सीधे तरीके से उसे मना कर देता, बट फिर भी वो उसे कन्विंस करने का कोशिश कर रही थी। दूसरी साइड यहाँ पर फेंग की नजर जियो पे पड़ती है जहाँ पर कि सब उसके फ्रेंड लोग जियो के ये गोल्फ खेलने के ट्रिक से काफी ज्यादा इम्प्रेस थे। फेंग वहां पर आता है, अब तक फेंग सबसे अच्छा खेल रहा था, तो बातों बातों में उसमें यहाँ पर फेंग और जियो में बेट लग जाता है। और बेट ये था कि अगर जियो ये गेम जीत गई तो फेंग को उसे इस तरीके से
इंटरव्यू देने के लिए रेडी होना पड़ेगा। फिंग ओके कह देता है और इसके बाद वो लोग गेम खेलना स्टार्ट करते हैं। उसके फ्रेंड लोग साफ तौर पे देखते हैं कि यहाँ पर सेव जीती है, लेकिन फिंग उसे बिना कुछ बोले वहां से चले जाता है। अब जो कंफ्यूज थी कि क्या वो उसे इंटरव्यू देगा भी या नहीं देगा। दूसरी साइड हम लोग ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पर कि उसका बॉस बता रहा था कि फेंग ने इंटरव्यू देने के लिए रेडी हो गया, लेकिन उसने स्पेसिफाई नहीं किया है कि आखिरकार उसने जे और लियांग में से किसे चूज किया है। अब जे को तो लग रहा था कि फेंग ने उसे कुछ बोला नहीं है, तो वो उसे कैसे चूज कर सकते हैं। तभी लियांग सिचुएशन का फायदा उठाते हुए अपने बॉस को कहती है कि एक्चुअल में फेंग ने मुझे चूज किया है। तो वो लोग सब खुश हो जाते हैं और यहाँ पर लियांग को सब काफी ज्यादा अप्रिशिएट करने लगते हैं कि आज उसका डे टू ही और उसने इतना अच्छा हाथ मार लिया है। और इसके बाद इसी खुशी में लियांग सबको एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में खाने के लिए लेकर के जाती है। सब उसे कह रहे होते हैं कि क्या वो हमेशा यहाँ आया करती है, तो वो कहती है नहीं, वो इतनी अमीर कहाँ है, उसका बॉयफ्रेंड एक्चुअल में यहाँ लेकर के आया करता है। वो जानबूझ करके जो का इंसल्ट करने के लिए उसे कहती है एक काम करो, तुमने यहाँ पर जो भी खाना है ऑर्डर कर लो। अब यहाँ पर जो तो रेगुलर आया करती थी, इसलिए जानबूझ करके वो बहुत ही महंगे महंगे डिशेज ऑर्डर करती है और बहुत सारा वाइन भी ऑर्डर कर देती है, जिस वजह से इतना पैसा तो जियो के लियांग के पास था नहीं कि वो पेमेंट करे। सब यहाँ पर जियो पर गुस्सा कर रहे थे कि उसने इतना महंगा डिश क्यों ऑर्डर किया। तो वो कहती है क्यों खाने वक्त तुम लोगों को नहीं लग रहा था, क्यों ना तुम लोग खुद यहाँ पर स्प्लिट करके पेमेंट कर लो, अब किसी के पास इतने पैसे थे नहीं। वो लोग लियांग को कहते हैं कि क्यों ना तुम अपने बॉयफ्रेंड से इस बारे में बात करो, शायद वो पेमेंट करने के लिए मान जाए। वो यहाँ पे यान को कॉल करता है तो यान उसे पेमेंट करने के लिए तैयार हो जाता है। जो वहां से निकलती है तो वो रास्ते में यान से मिलती है। यान उस पर गुस्सा कर रहा था कि मैंने मना किया है ना लियांग को परेशान नहीं करने के लिए, फिर भी तुम उसे क्यों बोले कर रही हो। जो कहती है तो अपने वोमेन को संभाल करके रखो, वो मुझे आती है छेड़ने के लिए, मैंने उसे कभी परेशान नहीं किया। और हाँ, मैं डाइवोर्स वाले बात को लेकर के सीरियस हूँ, इस बात को सोचो, तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड मिल जाएगी और मुझे आज़ादी, जितनी जल्दी हो सके इस बात को प्रोसेस करो। ऐसा कहते वो वहां से चली जाती है। उसके जाते ही वहां पर लियांग आती है और लियांग को भड़काते हुए कहती है कि बचपन से लेकर के आज तक जो तुमसे प्यार करती थी, अचानक से ऐसे वो डाइवोर्स का बात कर रही है, कहीं उसके लाइफ में कोई और तो नहीं है, वो तुम्हें चीटिंग तो नहीं कर रही। तो यान यहाँ पर सोच रहा था कि हाँ ये बात हो सकता है। लियांग उसे दिमाग देती है कि क्यों ना हम लोग यहाँ पर जियो किसके साथ चीटिंग कर रहे हैं ये पकड़ते, प्रूफ जमा करते हैं, तुम्हारे फैमिली को दिखाएंगे, तो उसे एक फूटी कौड़ी तो मिलने नहीं वाली क्योंकि वो तुम्हें चीट कर रही है और फिर वो तुमसे डाइवोर्स भी ले लेगी और हम दोनों फिर साथ हो सकते हैं। यान को ये आइडिया तो काफी अच्छा लगता है। वो अपने एक बंदे को कॉल करके जियो पर नजर रखने के लिए कहता है। जियो वहां से जा रही थी तो वो फैंग को कॉल करती है और कहती है कि क्या सच में उसने ये इंटरव्यू वाला प्लान लियांग को ऑफर किया है। फेंग उसे कहता है अगर जानना चाहती हो तो ग्रीन विला आ जाओ। जियो गुस्से में वहां पहुंचती है, फेंग से वो पूछती है और फेंग से रिक्वेस्ट भी कर रही थी कि वो उससे वो विला दे दे। दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। और दूसरी साइड यहाँ पर यान को उसका बंदा कॉल करके कहता है कि एक्चुअल में काफी घंटे से यहाँ पर जियो है वो फेंग के विला पर गई हुई है और वो अब तक आई नहीं है। तो यहाँ पर फेंग यान जो है जल्दी जल्दी जियो को चीट करते हुए पकड़ने जाने के लिए सोच रहा था। लियांग कहती है मैं भी चलती हूँ साथ में। और वो दोनों जब बहुत गुस्से में आते हैं यहाँ इस घर पर देखने के लिए तो उन्हें हॉल में एक लड़के का कोट मिलता है। यहाँ पर यान जियो से गुस्सा करते हुए कहता है कि क्या वो उसे धोखा दे रही किसी और लड़के के लिए। तो जियो उसे कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रही। यान कहते हैं कि अगर मुझे पता चला ना कि तुमने कोई और लड़का रखा हुआ है तो मैं ग्रैंडफादर को जाकर के बता दूंगा और फिर वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे तुम्हें अच्छे से पता है। फिर वो कमरे में हर जगह उस लड़की को ढूंढने के लिए जाता है जहां पर कि उसे वो बंदा नहीं मिलता है। जो थोड़ा रिलैक्स होती है लेकिन वो सोच रही थी कि फेंग का की कार चला कहाँ गया। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यान पूछती है तो फिर ये लड़के का कोट क्या कर रहा है तुम्हारे यहाँ। तो जो कहते हैं मैंने तो ये तुम्हारे लिए लिया था, जाओ इस चीज़ के लिए भी ग्रैंडफादर को तुम कंप्लेन कर दो। यान वहां से गुस्सा करके चले जाता है। जियो फेंग को ढूंढते हुए कमरे में जाती है तो वह उसे मैसेज करता है कि जिस बंदे को तुम्हारे हस्बैंड ने भेजा था मैंने उसे अच्छा खासा सबक सिखा दिया है। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो लियांग होती है वो अपने कुछ रिपोर्टर फ्रेंड्स को लेकर के आ जाती है फेंग का इंटरव्यू लेने के लिए। वो लोग उसका इंटरव्यू लेने के लिए आने का वेट करते हैं। फेंग जब यहाँ पर आता है तो उसे हाय हेलो कहने का कोशिश करती है तो फेंग उसे भाव ही नहीं देता है। वो पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। लियांग कहती है कल हमने डील किया था ना कि तुम इस तरीके से मुझे इंटरव्यू दोगे। फेंग कहता है कल मैं बैठा रहा जियो से तो मैं उसे दूंगा ना इंटरव्यू, तुम्हें मैं कब से देने लगा। अगर उसे इंटरव्यू लेना है तो जियो को भेजो, मैं तुम्हें इंटरव्यू नहीं देने वाला। ऐसा कहते वो वहां से चले जाता है। अब यहाँ पर लियांग का मुंह ही बन जाता है।
जैसे यहाँ पे जियो के बॉस को कॉल आता है कि फिंग ने यहाँ पे जियो को चूज किया था इंटरव्यू देने के लिए, तो वह लियांग पर गुस्सा करने लगता है और कहता है अगर आज फेंग ने इंटरव्यू देने से मना कर दिया तो तुम्हारी जॉब यहाँ पर नहीं रहने वाली है, ये तुम ही सोच लो। अब यहाँ पर लियांग झूठ मूठ का कहने लगते कि हो सकता है मुझसे कोई गलतफहमी हो गई होगी, कोई गलती हो गई होगी, ऐसा करके वो ऑफिस जाने लगती है, जहाँ पर कि जियो का बस उसे कह रहा था कि तुमने कल फेंग को इंटरव्यू के लिए मनाया था तो तुमने बताया क्यों नहीं। तो जियो कहती है कोई बात नहीं, लियांग भी टैलेंटेड है, आप लोग उसे भी भेज सकते हैं। वो कहता है नहीं, ये तुम्हारा मेहनत की वजह से मिला है, तुम्हें जाना चाहिए था ना, और वैसे भी फेंग तुम्हें ही ढूंढ रहा है, तो जाओ जाकर के इंटरव्यू दो। तभी वहां पर लियांग आती है, उसके पास उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि वो ऐसा कैसे कर सकती। तो वो कहती है नहीं, वो तो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। उसका बॉस यहाँ पे लियांग को जियो को सॉरी बोलने के लिए बोलता है, लियांग सॉरी बोल देती है। ऑफिस की एक और लड़की यहाँ पर लियांग का ही सपोर्ट कर रही थी, तो जियो से कहती है मुझे पता है कि तुम किसके साथ चीट कर रही हो, सोचो अगर मैंने उसकी वाइफ को तुम्हारे बारे में बता दिया तो क्या होगा, इसलिए मेरे करेक्टर को जज करने से पहले ना पहले खुद को देख लो। वो वहां से गुस्सा करके चली जाती है और फिर जियो फेंग का इंटरव्यू लेने के लिए चली जाती है। इंटरव्यू वगैरह के बाद जब जियो वहां से जाने लगते हैं तो फेंग कहता है पिछली बार की तरह सिर्फ फ्यूजन थ्रो करोगी। जियो बेचारी चुप थी, वो उसे कहता है कि चलो लंच करने का समय है, लंच करते हैं, मुझे तुमसे कुछ बात भी करना है। फिर वो लोग खाना खाने लगते हैं, फेंग इस तरीके से जियो का केयर करेगा उसे पता नहीं था। वो जियो का कहता है कि मुझे पता है कि तुम इस तरीके से यान के साथ फेक मैरिज सर्टिफिकेट लिए हुए हो, तुम दोनों की असल में शादी नहीं हुई है और वो तो तुमसे प्यार भी नहीं करता है, तो तुम उस चक्करों में क्यों पड़ी हुई हो, क्यों ना तुम इस तरीके से मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। जो कहती है तुम्हें पता था, तो फेंग कहता हाँ पता तो मुझे शुरुआत से ही था, लेकिन मैंने तुम्हें कभी ये बताया नहीं। और बातों बातों में उसे ये भी बताता है कि एक्चुअल में 3 साल पहले उस क्लब वाली रात उनके बीच कुछ भी नहीं हुआ था। तो जियो कहती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे फ्रेम किया गया था, अगर कुछ नहीं हुआ था तो फिर तुम्हें इस तरीके से मेरा हिडन बॉयफ्रेंड बनने के लिए रेडी नहीं होना चाहिए था ना। तो वो कहता है कि ऐसे कैसे, मुझे इतना अच्छा ऑफर मिल रहा था, एक काम करो क्यों ना हम लोग वापस जैसे पहले रह रहे थे वैसे ही रहते हैं। जो कहती है हाँ ठीक है, लेकिन कभी हम लोग फीलिंग के बारे में बात नहीं करेंगे, प्यार मोहब्बत की बात नहीं करेंगे, एक दूसरे के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे, सिर्फ जो जैसे चाहिए वो उसे मिलेगा। अगर फ्रेंड इस चीज के लिए तैयार है तो ठीक, वरना वो रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती। बेचारे जो का दिल टूटा था, वो 20 सालों से यान को पसंद किया करती थी और यान ने इस तरीके से उसके साथ किया, इसलिए अब रिलेशनशिप में नहीं आना चाह रही थी। लेकिन फेंग यहाँ पर जियो के साथ रहने के लिए ये भी करने के लिए रेडी हो जाता है और वो कहता है ठीक है आज तुम मेरे विला में शिफ्ट करो। जियो कहती है वो शिफ्ट करेगी लेकिन अभी उसे कुछ काम बाकी है। उसके बाद में फेंग इस चीज़ के लिए ओके कह देता है। घर जा करके जियो यहाँ पर अपना सामान वामान जब पैक कर रही थी तो यान उस पर गुस्सा करते हुए आता है और कहता है कि लियांग को इस तरीके से तुम्हें इंसल्ट करना जरूरी था सबके सामने। जो कहती है तुम्हारी बन्नी ने पहले ये क्लेम किया कि वो मेरा इंटरव्यू लेने वाली है जिससे कि मैंने पोजीशन सिक्योर किया था, और फिर तुम कहते हो कि गलती मेरी है। वो कह रहा था कि नहीं, लियांग ने कहा कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। जो कहती है चलो ठीक है, तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड की बातों पर इतना ही भरोसा है तो मैं आज वैसे भी यहाँ पर मूव आउट करने के लिए आई हूँ, मैं जा रही हूँ खुद तुम्हारे ग्रैंडफादर से बात करने के लिए। और वो नीचे जा करके यान के ग्रैंडफादर उसके मॉम को सारी बातें बताती है कि उसने और लियांग ने यहाँ पर सॉरी यान ने यहाँ पर डिवोर्स लेने का डिसाइड किया, जहाँ पर उसके पेरेंट बिल्कुल अग्री नहीं कर रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि जियो कितनी अच्छी लड़की है, लेकिन जियो ने समझाती है कि यान लियांग से प्यार करता है और वो उनके बेबी को लेकर के प्रेगनेंट भी है, तो फिर इस तरीके से हमें रिश्ते में बांध करके रखने का कोई फायदा नहीं है। उसके गार्जियन यहाँ पर रेडी हो जाते हैं लेकिन यान को बहुत ही ज्यादा क्लास लगा रहे थे। यान कहती है मैंने लास्ट आपके फैमिली का एहसान चुकाने के लिए जो आपने 3 सालों में मेरा ख्याल रखा था, मैंने इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपकी कंपनी को दिला दिया और मैं फाइनली यहाँ से जा रही हूँ। वो अपना सामान वामान लेकर के जाने लगती है तो यान उसके पीछे जाता है और कहते हैं कि तुमने जान बुझ करके लियांग का नाम लिया ना ताकि उसकी फैमिली बेबी रिपोर्ट कराने के लिए जिद करे। यान कहती है देखो तुम्हें जो सोचना है सोचो, बट मैंने फाइनली अपने साइड से तुमसे ब्रेकअप कर लिया है, तो आई डोंट थिंक कि तुम मुझे ऐसे अगर के बात करो। जो वहाँ से चली तो जाती है लेकिन अब यान यहाँ पर जियो को मिस करने लगा था, ना जाने क्यों उसे कुछ खालीपन सा अपने लाइफ में महसूस होने लगता है। वो इस बात को समझ ही नहीं पा रहा था कि जियो सच में उसे छोड़ करके जा चुके, उसे ऐसा लग रहा था कि वो अब भी एक्टिंग कर रही है। दूसरी साइड फेंग यहाँ पर जियो के लिए बहुत सारा फूड बना करके रखा हुआ था। जियो आती है यहाँ पर कहती है अरे तुम्हें खाना बनाना आता है, मुझे पता नहीं था। फेंग उसे कहते हैं जब मैं 13 साल का था तब मैं फॉरेन गया था पढ़ने के लिए, वहाँ अकेले रहा करता था और वहाँ का फूड मुझे कुछ खास नहीं पसंद था, इसीलिए मैं खुद से खाना बनाने का
सीखा करता था और इसी वजह से आज मैं इतना अच्छा खाना बना सकता हूँ। जियो कहती है कि लेकिन आज इतना सारा फूड तुमने क्यों बनाया? तो वो कहता है क्योंकि मुझे पता चला कि तुम इस तरीके से यहाँ से अलग होकर के यहाँ पर आ गई हो। वो खुश था। जियो यहाँ पर उसे कहती है हमें कुछ रूल्स बनाने होंगे, सेकंड फ्लोर तुम्हारा, थर्ड फ्लोर मेरा, हम दोनों एक दूसरे के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे, सिर्फ मस्ती बाजी ही चलेगी। फिर कहते हैं ठीक है, और वो उसे ये भी कहती है कि जिस दिन वो उससे बोर हो जाएगा उस दिन वो उसे कह सकता है, उनके रिलेशनशिप यहाँ पर एंड हो जाएंगे, लेकिन रिलेशनशिप में चीटिंग नहीं चलेगी। फिर कहते हैं मैं तुम्हारी सारी बातें मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा भी एक शर्त है। जियो पूछती है क्या? वो कहता है ये रिलेशनशिप कब एंड करना है ये फेंग डिसाइड करेगा। जो सोचती है कि शायद पिछली बार उसने यहाँ पे ब्रेकअप करके फेंग के ईगो को हर्ट किया था, इसी वजह से वो ऐसा कर रहा है, तो वो उसकी शर्त को मान जाता है और फिर दोनों यहाँ पर वापस से जा करके इंटीमेट होते हैं। अगली मॉर्निंग जब जियो ऑफिस जाती है तो सब उसे कॉन्ग्रेचुलेट विश कर रहे थे, उसने यहाँ पर फेंग का इंटरव्यू लिया है, लेकिन वो ऑफिस गर्ल जिसका सीओ के साथ पंगा चल रहा था वो उसे कहती है मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाली, और गुस्सा करके वहां से चली जाती है। पूछने पर जियो को पता चलता है कि एक्चुअल में इसका जिस आदमी के साथ अफेयर था उसकी वाइफ के बारे में किसी ने बता दिया है उसकी वाइफ को इसके बारे में, और इसी वजह से वो यहाँ खुद ही रिजाइन करके जा रही है, क्योंकि इतना इंसल्ट होने के बाद तो वो यहाँ पर काम नहीं कर सकती है ना। फिर उनके बॉस आता है और यहाँ पे मीटिंग में वो उन्हें बताता है कि एक्चुअल में अब जो लियांग है उसने हमारी कंपनी के साथ 5 साल का एग्रीमेंट साइन कर लिया है, अब इस तरीके से वो जियो और लियांग में कंपटीशन कराएगा। 3-3 घंटे का यहाँ पर उनका यहाँ पर शो चलेगा न्यूज रिपोर्टिंग का, और जिसके भी व्यूअरशिप बहुत ज्यादा होगी, टीआरपी हाई होगा, उसी को ये मॉर्निंग का ये मिल जाएगा। तो इस चीज के लिए जो रेडी हो जाती है, उसका बॉस जियो को कहता है मैं जानता हूँ कि तुम बहुत टैलेंटेड हो और तुम ही ये जीतोगे और मुझे होप है कि तुम ही ये जीतो। फिर इसके बाद वो लोग शो करने के लिए जाते हैं जहाँ पर कि जियो की व्यूअरशिप एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा थी, लेकिन तभी अचानक से जियो के बारे में ये न्यूज इंटरनेट पर आने लगती है कि जियो की मोम एक मर्डरर है, उसने अपने हस्बैंड का मर्डर किया था और उस समय जियो भी सामने थी। अपना शो कंप्लीट करने के बाद जब वो अपना फोन चेक करने के लिए जाती है तो उसे ये बात पता चलता है, उसके कलीग उसे पूछ रहे थे कि क्या सच है और क्या झूठ। लियांग आते हुए कहती है ओ जियो तुम्हें ऑनलाइन बातों का ज्यादा ध्यान नहीं देना, वो लोग तो कुछ भी लिख देते हैं। जियो समझ जाती है कि इसमें लियांग का हाथ है। उसका बॉस यहाँ पर आता है और कहता है कि आई नो जियो कि तुम बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन हमारी कंपनी की इमेज खराब हो रही है, तो जब तक ये मैटर ठंडा नहीं हो जाता मैं तुम्हें कहूंगा कि तुम 1 हफ्ते की छुट्टी पर चले जाओ और तब तक लियांग यहाँ पर तुम्हारी जगह पर काम करेगी। जो चुपचाप इस चीज के लिए मान जाती है, वो घर जाती है काफी सैड थी। फेंग से पूछता है कि क्या वो ऑनलाइन इस न्यूज को लेकर के परेशान है। जो कहती है हाँ ये बात तो है, मुझे तो लगा था कि तुम इतने बिजी हो, तुम्हारे पास इतना फुर्सत कहाँ से आ गया। फेंग कहता है कि एक्चुअल मैं तुम पर ध्यान देता हूँ। वो कहता है कि क्या तुम्हें मेरा हेल्प चाहिए? जियो कहती है नहीं, इस मैटर को वो खुद ही सॉल्व कर लेगा, लेकिन शायद उसका छोटी सी हेल्प की जरूरत पड़ सकती है, तो वो उसका हेल्प करेगा ना? फेंग कहता है ऑब्वियसली, पहली बार तुमने मुझसे कुछ हेल्प मांगा है, मैं तो हेल्प ऑब्वियसली ही करूंगा। फिर वो यहाँ पर इस ऑफिस गर्ल को कॉल करती है और शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में उसे मिलने के लिए बुलाती है, क्योंकि उससे पता था कि जब तक वो उसे महंगे रेस्टोरेंट में मिलने के लिए नहीं बुलाएगी वो यहाँ पर नहीं आने वाली है। और ये बात सुनते ही वो जियो से मिलने के लिए रेडी हो जाती है। इसके बाद वो जाती है मिलने के लिए उस ऑफिस गर्ल से, जहाँ पर वो उसे कहती है कि बोलो तुम मुझे क्यों बुलाए हो, मेरे पास बहुत टाइम है, मुझे 2 से कंपनीज जॉब ऑफर कर रहे हैं। जियो हंसते हुए कहती है कि अच्छा ठीक है, चलो पहले तुम ये बताओ कि तुमने मेरे बारे में ये न्यूज क्यों ऑनलाइन पोस्ट किया था। इस बात को ऑफिस गर्ल एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी और कहती है कि मैंने कोई भी ये न्यूज ऑनलाइन नहीं पोस्ट किया है। तो जियो उसे वो वीडियो दिखाती है जो कि फेंग ने उसे दिया था, जहाँ पर कि वो मास्क लगा करके यहाँ पर वो वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर रही थी। तो फिर वो इस बात को मान लेते हैं कि हाँ ठीक है, चलो मैंने तुमसे रिवेंज लेने के लिए ये वीडियो ऑनलाइन पोस्ट किया, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ कि मैंने जो भी कहा है वो तो सच ही कहा है ना, तो फिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो। तो जियो से कहती है लेकिन ये बात तो बहुत ही सीक्रेट थी कि मैं एक्चुअल में किस फैमिली की डॉटर हूँ, तो फिर तुम्हें कैसे पता चला? तुम मुझे ये बता दो कि तुम्हें न्यूज़ दिया किसने है, तो फिर मैं तुम्हें जाने दूंगी, वरना तुम्हें जो जॉब मिलने वाली है इस बात को तुम भूल जाओ। इस बात पर वो हंसते हुए कहती है तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम इतने सारे कंपनीज को जानती हो? जियो कहती है 2 मिनट रुको। फिर वो किसी को कॉल करके आती है।
हाँ, जैसे वो कॉल करके आती है, जहाँ जहाँ वो ऑफिस गर्ल अपना जॉब के लिए अप्लाई की हुई थी ना, सब उसे रिजेक्ट करने लगते हैं। अब उसे डाउट होने लगते हैं कि क्या जियो जो है वो सच में इतनी ज़्यादा पावरफुल है। तभी वहाँ पर फेंग जियो के सपोर्ट में आता है। अब उसे ऐसा लगने लगता है कि फेंग यहाँ पर जियो के साथ है। फेंग से जियो पूछते हैं कि वह यहाँ क्या कर रहा है, तो फेंग कहता है कि एक्चुअल में वो तो यहाँ पर अपने फ्रेंड का बर्थडे मनाने के लिए आया था। जियो को देखा तो उसका हेल्प करने के लिए आ गया। अब वो डर के मारे कह देती है कि एक्चुअल में लियांग ने उसे ये इन्फॉर्मेशन दिया था और लियांग ने उसे ये ऑनलाइन पोस्ट करने के लिए कहा था। फेंग उसे वार्न करता है कि तुम इस शहर छोड़ करके निकल जाओ, और अगर नहीं गई तो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होगा। डर के मारे वह लड़की तुरंत ही वहां से फरार हो लेती है। जियो उसको थैंक्स बोलती है उसका हेल्प करने के लिए। फेंग कहते हैं कि मुझे भी तुमसे एक थैंक्स चाहिए। वो पूछती है बताओ क्या हेल्प चाहिए तुमको मुझसे, तो वो कहता है मैंने कहा था ना कि मेरे फ्रेंड का बर्थडे है, मुझे एक पार्टनर चाहिए था। जियो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों जब वहां पर जाते हैं तो वो देखती है कि एक्चुअल में जिया नाम की एक गर्ल जो कि खुद को फेंग की फ्यून से बता रही थी, वो उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम यहाँ पर इस लड़की के साथ क्या कर रहे हो। फेंग यहाँ पर सबके सामने अनाउंस करता है कि एक्चुअल में जियो इसकी गर्लफ्रेंड है। जियो ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फेंग ऐसा करने वाला। वो लड़की कहती है बट मैं तुम्हारी फ्यून से हूँ तो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। फेंग कहता है कि ये रिलेशनशिप मेरे ग्रैंडफादर ने सेट किया था, तो तुम्हें ज्यादा मन है तो उनसे जाकर के शादी करो, मेरा दिमाग मत खराब करो। जो फेंग का फ्रेंड था वो जियो को अंदर पार्टी में इनवाइट करता है और वो लोग यहाँ पर अपना मस्ती वस्ती कर रहे थे। फेंग को कॉल आता है तो वो साइड में बात करने के लिए चले जाता है। अभी यहाँ पर जिया को काफी इंसल्टिंग लग रहा था कि इस तरीके से फेंग उसे रिजेक्ट कर रहा है, और वो गुस्से में यहाँ पर जियो को बुली करने के लिए आ जाती है, लेकिन वो खुद ही उल्टे बुली होने लगती है। फेंग वहाँ पर आता है तो वो एक्टिंग कर रही थी कि जियो ने उसे बुली किया है, तो फेंग यहाँ पर जियो का केयर करते हुए कहता है कि वो ठीक है ना। वो कहती है कि देखो ना मैं कितनी घबरा गई थी, मुझे लगता है कि जिया ने ना कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया, ऐसे घर जाना चाहिए। फेंग यहाँ पर जिया को वार्न करते हुए कि वो जियो को परेशान न करे, उसे वहां से बाहर लेकर के जाता है। जियो हंसते हुए कहती है तुमने क्या सही गेम खेला, अब मैं समझी कि तुम मुझे इस पार्टी में क्यों लेकर के जाना चाहते थे, ताकि यहाँ पर तुम्हारी फियांसे जिया को ये लगे कि एक्चुअली में तुम किसी और के साथ हो और वो तुम्हें पेस्टर करना बंद कर दे। फेंग कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। जियो समझ नहीं पाती है फेंग के एक्चुअल फीलिंग को। वो दोनों वहां से जाते हैं। अब रात में यहाँ पर जियो को नींद नहीं आ रहा था। वो यहाँ पर इतनी आसानी से तो लियांग को माफ नहीं कर सकती है, उसने उसके सीक्रेट को रिवील किया था। तो वो बाहर जाकर के लियांग की मोम को कॉल कर देती है और बता देती है कि लियांग वापस आ गई है। उसकी मोम को हम लोग देखते हैं जियो की, बेचारी काफी गरीब थी और लियांग यहाँ पर अमीरों की जिंदगी जी रही होती है। लियांग को पटा करके वो यहाँ पर आकर के लियांग पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम कैसी बेटी हो, तुम्हारा बाप कोमा में है, तुम यहाँ पर अमीरों की जिंदगी जी रहे हो, तुम हमारा केयर नहीं कर रहे हो, तुम हमें पैसे नहीं दे रहे हो। पब्लिक में उसका काफी इंसल्ट होने लगता है और इस वजह से सब यहाँ पर लियांग को क्रिटिसाइज करने लगते हैं कि वो तो एक न्यूज रिपोर्टर बनने के लायक नहीं है। यहाँ पर उसकी नजर जियो पर जाती है, वो समझ जाती है कि जियो ने ऐसा किया है। जियो वहां से निकल के अभी घर जा ही रही थी कि उसे यान का कॉल आता है और वो कहता है तुरंत ही हॉस्पिटल आने के लिए। वहां जाती है वो तो उसे पता चलता है कि लियांग तो इंजर्ड होने की एक्टिंग कर रही है। वो यहाँ पे यान को बता रही होती है कि किस तरीके से जियो ने उसकी मॉम के सीक्रेट को रिवील किया, अब उसे जॉब से निकाल दिया गया है जिसको कितना मेहनत से उसने अपना पोजिशन सिक्योर किया था। यान यहाँ पे लियांग का सपोर्ट कर रहा था। जियो आती है तो उस पर गुस्सा करता है, तो जियो उससे कह रही है मैंने पता किया है तुम्हारा बेबी बिल्कुल ठीक है, वो ड्रामा करने का कोई जरूरत नहीं है। यानो से पूछता है कि क्या उसने लियांग को ऐसे हर्ट करने के लिए सब कुछ किया है, तो जियो कहती है हाँ ऑब्वियसली। लियांग कहती तुम ऐसा क्यों कि मेरे साथ में, तो मेरी फ्रेंड थी ना। जियो कहती है और सच में तुम मेरी फ्रेंड थी, इसी वजह से मेरे हस्बैंड के साथ तुमने फ्लर्ट किया, मेरे मॉम के सीक्रेट रिलेशनशिप के बारे में तुमने सबको बता दिया और तुम मुझसे एक्सपेक्ट कर रही हो मैं तुम पे मर्सी करूँ। लियांग इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए ही नहीं तैयार थी कि एक्चुअल में उसने ऐसा कुछ किया है। वो इस बात को बार बार डिनाई किए जा रही थी और यान यहाँ पर लियांग का सपोर्ट कर रहा था। तो यहाँ पर जो जियो ने उस ऑफिस गर्ल का वॉइस रिकॉर्ड किया था वो यहाँ पर उसे सुनाते हुए कहती है, जिसमें कि वो साफ तौर पर एक्सेप्ट कर रही है कि लियांग ने उसे वो इन्फॉर्मेशन दिया था। लेकिन फिर भी लियांग कहती है नहीं नहीं मैंने उस ऑफिस गर्ल को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, वो झूठ कह रही है। जियो कहती है लेकिन इस वॉइस से तो पता नहीं चल रहा है कि वो उस ऑफिस गर्ल का वॉइस है, तुमने उसे इन्फॉर्मेशन दिया था तभी तो तुम्हें पता चला ना। अब यान यहाँ पर बातों को समझ जाता है कि एक्चुअल में लियांग झूठ कह रही है और जियो सच कह रही है। जियो वहां से गुस्सा करके चली जाती है, तो लियांग यहाँ पर बयान को खोना नहीं चाहती थी, वो उसका अंतिम सहारा था। तो वो पेट दर्द होने का एक्टिंग करने लगती है और कहती है कि जियो झूठ बोल रही है, मैं ही सही कह रही हूँ, वो मुझे फंसा रही है। यान यहाँ पर वापस से लियांग की बातों का ट्रस्ट कर लेता है। अगली सुबह
जब वो जगती है तो देखती है कि वो बिजनेस ट्रिप के लिए फेंग निकला हुआ है। वो उसे ओके का मैसेज कर देती है। फिर अगले दिन जब वो बिजनेस ट्रिप से लौटा था तो वह जियो को अपने ऑफिस मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ पर कि फेंग ने एक पर्सनल सेक्रेटरी सेलेक्ट की थी लिली नाम की। वो उसका रिज्यूमे देख करके शॉक जुड़ाती है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि जियो अपने घर में थी तो लिली आती है और कहती है कि मैं आपकी असली मॉम डैड हूँ, आपके दुश्मन ने एक्चुअल में यहाँ पर आपसे बदला लेने के लिए जियो को मुझसे चेंज कर दिया था, और उसकी वाइफ ने यानी कि लिली के मॉम ने अपने डैड को मार डाला है। अब यहाँ पर लिली साथ में डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट भी लेकर के आई थी। उसकी मम इस बात को मान जाती है और जियो को घर से निकल जाने के लिए कहती है, और कहती है कि तुम मेरे दुश्मन की बेटी हो, मैं तुम्हें अपने घर में नहीं पाल सकती। जियो की तो अचानक से दुनिया ही बदल जाती है। तभी वहाँ पर फेंग आता है, लेकिन जियो उससे इस बारे में कुछ भी नहीं कहती है। दोनों साथ में कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे, तभी जियो को उसके डैड का कॉल आता है और उसे अपने साथ डिनर करने के लिए बुलाते हैं। जो सोचती है कि वैसे भी उसके डैड ने हमेशा उसके साथ अच्छा बिहेवियर किया। जब उसकी मॉम उसे घर से निकाल रही थी तभी वो उसे कहते हैं कि नहीं, ये यहीं रहेगी, और साथ ही में पब्लिक में उन्होंने अनाउंस किया कि भले ही जिया उनकी असली बेटी नहीं है लेकिन वो हमेशा ही घर की बड़ी बेटी रहेगी। इसी वजह से वो जाने के लिए रेडी हो जाती है। जाने से पहले वो फेंग को कहती है कि आज रात शायद वो रिटर्न नहीं होगी, तो उसका वेट नहीं करना। फेंग उसे पूछता भी है कि वो कहाँ जा रही है, लेकिन जो उसे कहती है कि एक सीक्रेट है। फिर वो अपनी फैमिली से मिलने के लिए जाती है तो यहाँ पर लिली उसे परेशान करने के लिए आती है और कहती है कि बड़ा मुंह उठा के आ गए, तुम्हें सच में लगता है कि तुम अभी इस घर की बड़ी बेटी हो? जियो कहती है, मैं सिर्फ अपने डैड से मिलने के लिए आई हूँ, और अगर उन्होंने मुझे नहीं बुलाया होता तो मैं इस घर में कभी आती ही नहीं। वो कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आता, तुम एक मर्डरर की डॉटर हो। जियो कहती है, ओह, इसका मतलब कि तुम्हें उस बात का सीक्रेट पता है कि जब मेरी मॉम ने मेरे डैड को मारा था। एक्चुअल में जब ये सब कुछ हुआ था ना, तब लिली वहीं सामने थी, और रियलिटी कुछ और है। उसकी मॉम ने लिली को बचाने के लिए खुद गुंडे से इतने मार खाए थे, और उसके डैड को नाइफ गलती से लग गया था जब वो गुंडे को मारने का कोशिश कर रही थी। ये बात सब कुछ लिली को पता था, फिर वो यहाँ पर उसे बताती नहीं है, और यहाँ पर असली बेटी बन करके आ जाती है जियो के मॉम डैड की। अब जियो यहाँ पर लिली को कैसे ना कैसे करके कोर्ट में गवाही देने के लिए मजबूर करेगी, लेकिन बाद में। और जब वो जा रही होती है तो यहाँ पर लिली उसे गुस्से में धक्का दे देती है, और उसकी फैमिली ये देख लेती है। हालांकि यहाँ पर जो मॉम थी वो लिली को सपोर्ट कर रही थी, लेकिन जो डैड थे वो जियो को सपोर्ट कर रहे होते हैं। वो लोग खाना खाने के लिए जाते हैं तो वो पूछते हैं कि तुम तो हमारी कंपनी में आकर के जॉब कर सकती हो, तो फिर तुम फेंग की कंपनी में क्यों गई हो? और कहती है, क्योंकि फेंग की कंपनी अलग फील्ड में बिलोंग करती है और मैं उसकी सेक्रेटरी बन करके उसका मन जीतूंगी, और फिर कहूंगी कि वो हमारी कंपनी के साथ डील साइन करे, इससे हमारी कंपनी में भी बहुत सारे वेरिएशन आएंगे। उसके मॉम डैड कहते हैं, चलो ठीक है, अगर तुम एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो अच्छी बात है। जो चुप थी, अब लिली को लगने लगता है कि आखिरकार वह इतनी शांत कैसे है। वो कहती है, क्यों, तुम्हें क्या लगता है मैं इस कैपेबल नहीं हूँ क्या? जो इस बात का जवाब नहीं देती है। तभी वहां पर जियो का यान का फ्रेंड का कॉल आता है कि वो काफी ज्यादा ड्रंक है, वो उसे आकर के ले जाए। जियो उसके ग्रैंडफादर के बारे में सोचते हुए उसे वहां पर रिसीव करने के लिए जाती है, जहां पर कि वो उसके फ्रेंड से पूछती है कि क्या वो ढंग से चल भी नहीं सकता है। तो वो कहता है, नहीं, तुम्हें इसे लेकर के जाना पड़ेगा। तो जियो उसके फ्रेंड पर तरस खा के यान को वहां से लेकर के जा रही होती है। तभी हम लोग देखते हैं कि फेंग अपने कुछ दोस्तों से मिलने के लिए गया हुआ था, और वो वहाँ पर जियो को यान के साथ देखता है। उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, अरे तेरी गर्लफ्रेंड तो तुझे छोड़ करके किसी और के साथ है। लेकिन फेंग उन्हें कुछ नहीं कहता है। इधर जियो यान को जब लेकर के जा रही थी तो यान नशे की हालत में उसे कहता है, हम दोनों तो बचपन से दोस्त हुआ करते थे ना, तुमने मुझे क्यों धोखा दिया? जियो इस बात का मतलब नहीं समझ पाती, धोखा, मैंने कभी इसे धोखा दिया? वो यान से पूछ रही होती है कि अगर क्या हुआ है, लियांग ने उससे कुछ कहा है क्या, बताओ। यान उसे अपने पेट का चोट का दाग दिखाते हुए कहता है कि तुम इस दाग की वजह से मुझे छोड़ करके गई ना, तुमने डायरी में मेरे बारे में कितना कुछ बुरा बुरा लिखा था, लेकिन ये दाग तो मुझे तुम्हें बचाने के चक्कर में लगा था ना, तुम ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकती हो? जियो का याद आता है कि भले ही वो अपनी पर्सनल डायरी लिखा करती थी, लेकिन वो डायरी तो काफी लॉन्ग टाइम पहले खो गई थी। आखिरकार उस डायरी में ऐसा क्या लिखा था जो कि यान कह रहा है कि उसने उसे धोखा दिया था? वो यान से इस बारे में पूछने का कोशिश करती है तो वो बेहोश हो जाता है। तो फिर वो उसे घर छोड़ने के लिए जाती है, जहाँ पर उसका फ्रेंड कहता है, चलो अच्छा है, तुम ना लव वर्ड जाओ यहाँ से। यान कहती है, मैंने यहाँ पर यान से डिवोर्स ले लिया, मैं फिर उसके ग्रैंडफादर के लिए उसे घर छोड़ने के लिए जा रही हूँ। और इधर फेंग ये सारी चीजें देख रहा होता है। जब वो जियो को कॉल करता है तो जियो को लगता है ये फेंग बेकार में मिसअंडरस्टूड करेगा, बस बाद में इस बारे में बता देगी, और वो उसका फोन कट करके वहां पर यान को घर छोड़ने के लिए चली जाती है। और फेंग को बुरा लगने लगता है, उसे ऐसा लगता है कि क्या सच में वो यहाँ पर उसे धोखा दे रही है, वो ऐसा कैसे कर सकती है?
इसके बाद जियो यान को घर लेकर के जाती है, वो उसके कमरे में छोड़ कर उसे बाहर जा रही थी, तभी वहां पर यान की मम उसे आ जाती है यहीं स्टे करने के लिए कहती है। जियो सोचती है कि वो कल सुबह यान से उस डायरी के बारे में पूछ लेगी, इसलिए वो स्टे करने के लिए रेडी हो जाती है। अगली मॉर्निंग यान जब जाता है तो वो जियो से बात करने के लिए जाता है और पूछता है क्या उसने उसे घर छोड़ा था। जियो कहती है हाँ, ग्रैंडफादर का एहसान मैं चुका रही हूँ, बस यही समझ लो तुम्हारे फ्रेंड ने कॉल किया था, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें रिसीव करने के लिए आ गई। सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम पास में मेरी वजह से इतना ज्यादा इंसर्ट हो गए हो। यान उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं, मैंने तुम्हारी डायरी में सब पढ़ लिया था। अब यहाँ पर जियो को गुस्सा आ जाता है और कहती है डायरी, कौन सा डायरी, किस डायरी के बारे में तुम बात कर रहे हो, ला के दिखाओ मुझे, मैं भी तो देखूँ जरा आखिरकार उस डायरी में ऐसा है क्या जिसे देख करके तुम उससे इतना भड़के हुए हो। यान कहता है मैंने उसे पास्ट में जला दिया है। जियो कहती है अब जलाया है नहीं, वो तो तुम अच्छे से जानते हो, मैंने तुम्हें कहा था लियांग हम दोनों का रिलेशनशिप को खराब करने का कोशिश कर रही है, लेकिन तुमने इस बात को समझा नहीं। खैर अब मुझे फर्क भी नहीं पड़ता है, जब तुमने यहाँ पर लियांग को चूज कर लिया है इसलिए मैंने गिव अप कर दिया, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए लड़ते तो नहीं रह सकती। अब तुम जब उसे चूज कर चुके हो और वो तुम्हारे बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है तो तुम्हें उस पर फोकस करना चाहिए, हम दोनों कोशिश करेंगे कम से कम एक दूसरे से मिलने की। फिर वो वहां से निकल जाती है। जब घर जाती है तो फिर काफी गुस्से में उसका इंतजार कर रहा था। जो उसे कहती है कि एक्चुअल में वो कल किसी काम में बिजी हो गई थी इसलिए नहीं आ पाई थी, क्या सच में वो उसका इंतजार कर रहा था। फेंक कहते तुमने मुझे मजाक समझ करके रखा है ना, कैसे मर्जी किया यूज़ किया और फिर उसके बाद थ्रो कर दिया। अब यहाँ पर जो उसे कहती है ऐसा तो मैंने कुछ नहीं किया जो तुम इतना गुस्सा कर रहे हो। फेंक कहते मैंने कल तुम्हें ज्ञान के साथ देखा था। जो उसे एक्सप्लेन करती है कि वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक था और सिर्फ उसे घर छोड़ने के लिए गई थी, वो एक्चुअल में उसके फैमिली के लिए ऐसा कर रही है जिसको कि उन लोगों ने उसके साथ काफ़ी अच्छा बिहेवियर किया था। फेंक उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में था कि वे दूसरे लड़कों के साथ नहीं आ सकती है। तो जियो कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैं सिर्फ उसे घर छोड़ने के लिए गई थी और वैसे भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये भी था कि हम लोग किसी के पर्सनल लाइफ के मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे, इस बात को समझ जाओ तो बेहतर होगा। फेंग गुस्सा करके वहां से चले जाता है। जियो को फेंग के साथ ना जाने को ऐसा बिहेव करने में काफी बुरा लगता है। वो अपने फ्रेंड को वीडियो कॉल पर जब भी चीज़ डिस्कस करती है तो उसके फ्रेंड उसे कहती है मुझे लगता है ना फेंग तुम्हें पसंद करता है, लेकिन जियो इन बातों पर ट्रस्ट नहीं कर रही थी। उसकी फ्रेंड उसे समझाती है कि तुम्हें फेंग को एटलीस्ट एक मौका देना चाहिए। फेंग यहाँ पर दिन भर जियो के आने का कॉल का वेट कर रहा था लेकिन वो नहीं करती है, तो वो अपने सेक्रेटरी को बुला करके कुछ न्यूज़ यहाँ पर इंटरनेट पर वायरल कर देने के लिए कहता है। जियो यहाँ पर अपना काम कर रही होती है तभी वहाँ पर उसे उसके डायरेक्टर का कॉल आता है और वो उसे अपने जॉब पर वापस बुला रहा था। जियो जॉब पर जाने के लिए रेडी तो हो जाती है लेकिन वो मन ही मन सोच रही थी कि आखिरकार बिना रीजन के उसका बॉस उसे जॉब पर वापस कैसे बुला सकता है। तभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उसे फेंग का कॉल आता है। फेंग उसे कहता है तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज, मैं तो मैं कॉल नहीं करूँगा तो तुम नहीं करोगी ना, इंटरनेट पर जियो ने पढ़ा था कि इस तरीके से यान और लियांग के बारे में उसने सारे सीक्रेट लीक कर दिए, किस तरीके से लियांग यहाँ पर यान को फ्लर्ट कर रही थी। वो समझ जाती है कि लियांग ने ये सब कुछ किया है फेंग ने, तो वो उसे थैंक्स बोलती है। तो वो कहती है कि ठीक है चलो थैंक्स बोलने के लिए मैं तुम्हें रात में डिनर में इन्वाइट करूँगी। फेंग इस चीज़ के लिए रेडी हो जाता है। अगले सीन में जो यहाँ पर फेंक के आने का वेट कर रही थी तभी लिली अपने फैमिली को वहाँ पर लेकर के आ जाती है। कुछ दिनों में उन दोनों का सेम डे बर्थडे था तो उसके डैड यहाँ पर जियो को अपने घर बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आने के लिए कहते हैं, लेकिन उसकी मॉम को इस चीज़ में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। यहाँ पर लिली जान बूझ करके जियो को बुलाना चाह रही थी क्योंकि आजकल कुछ ज़्यादा ही इंटरनेट पर वायरल हो रही थी। जियो और सब ये कह रहे थे कि एक मर्डर नहीं उसे पाल पोस करके बड़ा किया था, उसकी स्पॉटलाइट खत्म हो रही थी ना, इसी वजह से वो यहाँ पर जियो को पार्टी में बुला करके उसको इंसल्ट करने का प्लान कर रही थी। उसके फैमिली स्पेशली उसके डैड उसे फोर्स करने लगते हैं इस साल वो बर्थडे उनके साथ मनाएगी, तो मजबूरी में यहाँ पर जियो को इस चीज़ के लिए मानना पड़ता है। उनके जाने के बाद यहाँ पर फेंग आता है, वो जेनवनली उसे थैंक्स बोलती है उसका हेल्प करने के लिए। फिर वो लोग अपना फूड वूड ऑर्डर करते हैं और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से फेंग जो है वो जियो को दिखाता है उतने साल पहले का एक कार के डैश कैम का वीडियो, जहाँ पर जब इसके मोम और डैड इस तरीके से गुंडे से लड़ने का कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पर सामने दिख रहा है कि लिली है। जियो से थैंक्स कहती है इस वीडियो के लिए, इससे वो अपनी मोम का केस रीओपन करा सकती है और शायद उसकी मोम को जस्टिस दिला सकती है, क्योंकि लिली इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं थी कि वो इस इंसिडेंट में शामिल थी, और अगर वो यहाँ पर गवाही दे दे सही सही तो उसकी मोम का जो ये इल्ज़ाम लगा है वो खत्म हो जाएगा। फेंग अपने हाथों से जियो कैसे खिला रहा होता है और इस चीज का वीडियो लिली बना लेती है और वो यान को सेंड कर देती है।
यान को जैसे ही ये वीडियो मिलता है वो गुस्से में आकर के जियो को कॉल करता है और कहता है कि क्या वो उसे चीट कर रही है। जियो कहती है चीट करने के लिए कोई रिलेशनशिप भी होना चाहिए। पहली बात कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ कोई मैरिड नहीं हूँ, जो मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में बंधी हुई हूँ जो चीट करूंगी। और दूसरी बात, मैंने तुम्हें वैसे भी ब्रेकअप कर लिया है तो अब तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है मुझसे पूछने का मैं किसके साथ हूँ और क्या कर रहा हूँ। फेंग इस बात को सुन के काफी खुश हो जाता है कि जियो ने यान के साथ सारे रिलेशनशिप तोड़ लिए हैं। जियो जब अपने ऑफिस जाती है तो वो काफी खुश थी, सब उसे कंग्रेचुलेट कर रहे थे। और साथ ही में यहाँ पर यान जो है, लियांग जो है, वो यान को लेकर के आई थी और वो सबके सामने भी शो कर रही थी कि एक्चुअल में यान जो है वो उसका बॉयफ्रेंड है। सब ये गेस कर रहे होते हैं कि अरे लियांग तो यहाँ पे प्रेग्नेंट है तो वो कब शादी करी है यान से। उसी में से एक रिपोर्टर कहता है, जहाँ तक मुझे पता है 3 साल पहले तो यान की शादी किसी और से हो चुकी थी, क्या उसका डाइवोर्स हो गया क्या जो यहाँ पर लियांग से शादी कर रहा है। अब जो भी इस बात को बढ़ा चढ़ा के कहती है, आप छोड़ो ना, किसी के पर्सनल लाइफ में ऐसे इंटरफेयर नहीं करते हैं। जियो फिर ये करके जल्दी जल्दी घर जा रही थी, सब पूछते कि क्या बात है बड़ा जल्दी जा रहे थे। जो कहती हाँ मेरा बॉयफ्रेंड मेरे घर पर वेट कर रहा होगा, सब उसे कहने लगते हो हो जो रिलेशनशिप में है। फिर जो वहां से जब जा रही होती है तो उसके पीछे पीछे यान उससे बात करने के लिए आता है और कहता है कि क्या वो सच में किसी के साथ है। तो वहां पर फेंग जियो के सपोर्ट में आ जाता है और कहता है हाँ और मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। लेकिन अब यहाँ पर यान फेंग से तो पंगा नहीं ले सकता था, वो कहता है कि जियो मैरिड है। फेंग कहता है तो ठीक है शादी का सर्टिफिकेट दिखाओ। वो कहता है कि हमने सबके सामने शादी का सारा अरेंजमेंट किया था और उसके बाद से जो मेरे घर पे रह रही है, सबको पता है कि हम दोनों मैरिड है। फेंग कहता है लेकिन तुम दोनों ने शादी का सर्टिफिकेट तो नहीं लिया ना, और शादी के जस्ट बाद तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर के चले गए, तो फिर काहे का रिश्ता? बेहतर होगा कि मेरी गर्लफ्रेंड को तुम परेशान ना करो। और फिर जियो को वहां से लेकर के जाता है। इधर लियांग आ जाती है, वो देखने लगती है कि यान का मन डगमगा रहा है जियो को लेकर, कहीं वो उसे वापस से पटाने का कोशिश न करे, इसलिए वो एक्टिंग करने लगती है कि देखो तुम्हें मुझसे शादी करना ही पड़ेगा, तुम जियो से डाइवोर्स ले लो, सब लोग इस तरीके से मुझे जज कर रहे हैं, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? लेकिन यान यहाँ पर कंफ्यूज था। दूसरी साइड जब फेंग यहाँ पर जियो को घर लेकर के जाता है तो वो नोटिस करता है कि जियो थोड़ी सी सैड है और उसे लगता है कि वो यहाँ पर यान की वजह से सैड है। वो कहता है तुम दूसरे लड़कों के बारे में मत सोचो। जियो कहती है कि तुमने ये रिंग 3 सालों से लगातार पहना हुआ, क्या इसका कोई स्पेशल मीनिंग है? फेंग कहता है कि क्यों तुम्हें जलस हो रहा है? जियो कहते हैं नहीं जलस तो नहीं हो रहा। फेंग कहता है ठीक है जिस दिन तुम्हें जलसी होगा ना बताना, मैं तुम्हें इस इयररिंग का सीक्रेट बता दूंगा। जियो मन ही मन सोचती है कि जिस लड़की ने भी फेंग को ये इयररिंग दिया होगा वो उसके लिए जरूरी बहुत ज्यादा स्पेशल होगी। अगली मॉर्निंग जब जियो जगती है तो देखती है कि फेंग जा चुका है और उसने उसके लिए एक नोट छोड़ा हुआ है कि वो बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है। उसके जाते ही जो यहाँ पर उसे मस करने लगती है, वो अपना ऑफिस का काम कंप्लीट करके टायर्ड होकर के सोफे पे रेस्ट कर रही थी, तभी यान उसे देखने के लिए आता है और कहता है कि तुम सिर्फ मुझे गुस्सा दिलाने के लिए फेंग के साथ थी ना, मैं जानता हूँ, तो मुझे कैसे छोड़ सकती हो? और वो आगे बढ़ करके यान को किस करने का कोशिश कर रहा था, तभी जो जग जाती है और कहती है कि जब मैं सो रही थी तब क्या तुम मुझे किस करने की कोशिश कर रहे थे? यान गुस्सा करके वहां से चले जाता है। लियांग यहाँ पर जियो को कहती है कि तुम यहाँ पे यान को पटाना बंद करो, वो मुझसे शादी करने वाला है। जियो कहती है कि जब यान ने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया था, पूछे छोड़ दिया था, तो मुझे लगा कि यार रोमियो जूलियट की रिलेशनशिप है, बट यहाँ पर तो अब तुम दोनों को ऐसे देख करके मुझे लग रहा है कि नहीं तुम दोनों भी काफी कॉमन ही हो। और हाँ तुम यान को मना लो मुझे डाइवोर्स पेपर ला करके देने के लिए, मैं तो तुम्हारे सामने अभी के अभी साइन करने के लिए तैयार हूँ, जैसे ऐसा कर लेना मुझे कॉन्टेक्ट जरूर करना। ऐसा कहते हुए वो वहां से बाहर निकलती तो देखती है कि फेंग यहाँ पर वापस आ चुका है। वो उसके साथ उसके कार में जाके बैठते, उसका सेक्रेटरी बताता है कि फेंग हफ्ते भर का काम सिर्फ 3 दिनों में कंप्लीट करके इतना जल्दी जल्दी आया, 24/7 उसने हम सबसे काम कराया है। अब जियो ये सोचने लगती है ऐसा क्यों भाई? तो उसका सेक्रेटरी उसे बताता है क्योंकि अगले कुछ दिनों में यहाँ पर फेंग जियो का बर्थडे है ना, इसलिए सेलिब्रेट करने के लिए फेंग यहाँ पर जियो के लिए काफी प्रिटी सा नेकलेस गिफ्ट में लेकर के आया था, लेकिन वो काफी महंगा था तो वो उसे एक्सेप्ट करने से मना कर रही थी। उसका सेक्रेटरी उसे कहता है कि फेंग ने स्पेशली उसके लिए ये चूज किया है, तब जाकर के फिर जियो उसका ये बर्थडे गिफ्ट एक्सेप्ट करती है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो उसे कहता है तो हम लोग पार्टी कैसे मनाने वाले हैं? तो वो कहती है सॉरी यार मुझे ना इस बार पार्टी अपने सोकल फैमिली के साथ मनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने मुझे बुलाया है और मैं इस बार मना नहीं कर सकती। तो वो उसे कहता है कि सच में जाना जरूरी है? जो कहती है हाँ लेकिन मैं जल्दी फ्री होने की पक्का कोशिश करूंगी और फिर यहाँ पर तुम्हारे साथ आकर के बर्थडे मनाने वाली हूँ। तो फिर वो भी इस चीज के लिए रेडी हो जाता है।
और इधर हम लोग फेंग को देखते हैं जिसके पास बहुत सारी कंपनी के इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करने के मैसेजेस आए हुए थे, और वो यहाँ पर जानबूझ करके यान के मॉम डैड को चूज करता है क्योंकि यान के मॉम डैड ने हमेशा ही जियो के साथ अच्छा बिहेवियर किया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लिली यहाँ पर जियो को अपने बर्थडे पार्टी में इन्वाइट करने के लिए आई हुई थी, तो उसका सेक्रेटरी उसे फेंग से मिलने नहीं जाने देता। फिर वो जबरदस्ती ऑफिस में एंटर कर जाती है और वह यहाँ पर फेंग को इन्वाइट करती है। फेंग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए उसके बर्थडे पार्टी में जाने के लिए रेडी हो जाता है क्योंकि उसे याद था कि जियो ने कहा था कि वो भी उस बर्थडे पार्टी में जा रही है, लेकिन लिली को ऐसा लगने लगता है कि वो उससे पसंद करता है। अगले दिन जब जियो अपने ऑफिस में थी तो यहाँ पर फेंग उसके लिए ऐसे बर्थडे गिफ्ट भेजता है, काफी प्रिटी सा ड्रेस था। वो तो ये देख करके कुछ ज्यादा ही खुश हो जाती है, सोचती है कि चलो अच्छा है, इस तरीके से फेंग ने उसे गिफ्ट तो भेजा है। इसके बाद वो ड्रेस वगैरह पहन करके उस पार्टी में चली जाती है जहाँ पर कि सब यहाँ पर अच्छे से लिली को विश विश कर रहे होते हैं और जियो की भी काफी बड़ाई कर रहे थे क्योंकि वो काफी प्रेटी लग रही है, लेकिन वो तो सिर्फ यहाँ पर जियो को इंसल्ट करने के लिए बुलाई हुई थी। वो जियो को जानबूझ करके उसके लिए वाइन लेकर के आने के लिए कहती है, और जियो जब ऐसा करने के लिए रेडी हो जाती है तो वो वाइन जानबूझ करके अपने सैंडल पर गिरा करके उसे क्लीन करने के लिए कहती है। इस बात से जियो को गुस्सा आ जाता है और वो उसे पलट करके जवाब दे देती है, जहाँ पर कि वो उसको इंसल्ट करने लगती है कि क्या वो सच में इसे अपने घर ही समझने लगी है, क्या घर की बड़ी बेटी मानने लगी है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। साथ ही में यहाँ पर जियो को इंसल्ट करने के लिए वो यहाँ पर लियांग को भी लेकर के आई थी, और उसने अपने मॉम डैड को कैसे न कैसे कन्विंस कर लिया था कि वो लोग यहाँ पर लियांग को अपने घर की डॉटर एक्सेप्ट कर लें, और वो लोग यहाँ पर लिली का जिद मान करके उसे घर की डॉटर मानने के लिए भी तैयार हो गए थे। अब यहाँ पर जियो को काफी इंसल्टिंग फील हो रहा था, वो समझ रही थी कि वो लोग यहाँ पर जानबूझ करके ऐसे यहाँ पर ये करने के लिए बुलाए हुए हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब वो वहां से जाने लगती है तब जानबूझ करके लियांग उससे बात करने के लिए आती है और कहती है, कैसा लग रहा है मुझसे हार करके, मैंने कहा था ना कि तुम मुझसे कभी नहीं जी सकती, पहले मैंने तुम्हारा हस्बैंड छीना, इसके बाद मैं तुम्हारी फैमिली छीन रही हूँ, और आगे आगे देखो मैं क्या करती जाती हूँ। ऐसा करके वो खुद ही स्टेज से नीचे गिर जाती है और ब्लेम लगाने लगती है कि जियो ने ऐसा किया है। तभी वहां पर यान लियांग को संभालते हुए आता है और वह यहाँ पर जियो पर गुस्सा करते हुए कहता है उसे सॉरी बोलने के लिए कि इस तरीके से वो कैसे यहाँ पर इसके साथ बिहेव कर सकती है, वो प्रेग्नेंट है ना। यहाँ पर उसकी फैमिली भी आती है और वो भी यहाँ पर जियो को सॉरी बोलने के लिए कहने लगती है, लेकिन जियो सॉरी बोलने से साफ मना कर देती है। हमें पता चलता है कि एक्चुअल में इसके डैड भी बदमाशी थे, वो सिर्फ सिर्फ जियो को अपने घर में इसलिए रखने के लिए तैयार थे क्योंकि इस तरीके से वो चाहते थे कि हमारी फैमिली की बदनामी ना हो, पहले हमने इसे पाला फिर अपनी बेटी आ गई तो उसे अबैंडन कर दिया, उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर पहले ही लियांग के नाम कर दी है। और जब ये चीज जियो को पता चला था तो उसे काफी हॉट हुआ था, फिर भी वो रिश्ते को खींच रही थी, और आज वो अपने मॉम डैड से अपना इस तरीके से ड्रेस फाड़ करके सारे रिश्ते नाते तोड़ लेती है और कहती है, आज के बाद मेरा आपके इस घर से कोई रिश्ता नाता नहीं है और मैं लियांग को सॉरी तो किसी हालत में नहीं बोलने वाली। ऐसा कहते हुए वो वहां से जाने लगती है तो फिर फेंग उसके सपोर्ट में आता है और कहता है सबको जियो उसकी गर्लफ्रेंड है और खबरदार जो किसी ने जियो को बुली किया तो। फिर वो लियांग से पूछता है कि तुम श्योर हो ना यहाँ पर जियो ने तुम्हें धक्का दिया था। लियांग कहती है हाँ, वो इस चीज के लिए श्योर थी क्योंकि उसे पता था कि आसपास कोई भी सीसीटीवी कैमराज नहीं है तो पता कैसे चलेगा, लेकिन फेंग के एक कॉल पर वो वीडियो आ जाता है जो कि काफी दूर से यहाँ पर रिकॉर्ड किया हुआ था। इसमें साफ दिख रहा था कि लियांग यहाँ पर जानबूझ करके जियो को बुली करने के लिए आई और वो खुद ही यहाँ पर स्टेयर से गिरी है। जब ये चीज यान देखते हैं तो उसका दिल टूट जाता है कि वो इतने सालों से लियान को पसंद कर रहा है और वो इस तरीके से उसे अब तक धोखा देते आ रही है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अब जियो की फैमिली उसे सॉरी बोलने लगती है और कहती है नहीं, हमें ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। वो लोग लियांग का एडॉप्शन कैंसिल करा देते हैं, लेकिन जियो उसे क्लियर कर देती है, मेरा आपके फैमिली के साथ सारे रिश्ते नाते टूट गए हैं और बेहतर होगा कि आज के बाद आप लोग मेरे पास किसी काम से ना हो। फिर फेंग वहां से जियो को लेकर के जा रहा था, जाने से पहले वह सबको कहता है, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ऊपर फ्लोर पर बर्थडे पार्टी अरेंज किया और अगर कोई आना चाहता है तो आ सकता है। अब मतलब फेंग का इन्विटेशन भला कौन ही मना कर सकता था, तो सारे उसके पार्टी में चले जाते हैं। इधर यान काफी गुस्से में लियांग को छोड़ करके जा रहा था तो लियांग वापस से उसे इमोशनल ड्रामा करके फंसाने का कोशिश करती है और कहती है, देखो यहाँ पर जियो ने पहले ही तुम्हारे डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दिया, जिसे देख करके यान शॉक्ड हो जाता है। वो लियांग को कहता है, मैंने और जियो ने जब कभी शादी का सर्टिफिकेट ही नहीं लिया तो इस तरीके से
डाइवोर्स की बात कैसे आई? तुमने यहाँ पर जियो का झूठा साइन किया है, इसका मतलब कि उतने साल पहले जो तुमने यहाँ पर जियो की डायरी मुझे ला करके दी थी उसमें भी तुम ही ने मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें लिखी हुई थी। और आज से मैं तुमसे ब्रेकअप करता हूँ, खबरदार जो आज के बाद कभी मेरे पास आई तो वो भी यहाँ पे लियांग को छोड़ करके चले जाता है। लियांग तो पूरी अकेले हो जाती है और जियो को देखने के लिए जाता है, जियो की यहाँ पर फेंग के साथ काफी खुश थी और सब उसे काफी कंग्रेचुलेट कर रहे थे, बट वो जियो का पीछा नहीं छोड़ने वाला था। फेंग यहाँ पर जियो के लिए इस तरीके से पूरा फायर क्रैकर वगैरह अरेंज कराया था। अब वो कहती है, अब जब मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ तो मैं तुमसे बात हक से पूछ सकती हूँ, ये इयररिंग तुम्हें किसने दिया है? क्या तुम्हारी लाइफ में सच में कोई फर्स्ट लव जैसी चीज रही है? फेंग कहता है, हाँ फर्स्ट लव थी तो, लेकिन वो तुम ही थी। जियो समझ नहीं पाती तो फेंग क्या कह रहा है, उसे फ्लैशबैक में बताता है कि एक्चुअल में जब मैं छोटा था ना तो मैं इस तरीके से रिवर में डूब रहा था और तुमने मेरी जान यहाँ पर आकर के बचाई थी और तुम्हारा इयररिंग इस चक्कर में गिर गया था और मैंने तब से तुम्हारी इयररिंग को संभाल करके रखा है। जियो को याद आता है कि अरे तो वो लड़की तुम थे? फिर कहता है, हाँ मैं तुम्हें फर्स्ट टाइम ही देखते ही पहचान गया था, लेकिन अगर मैं एक्ट नहीं करता तो फिर तुम मेरे साथ कभी नहीं आती ना। वो दोनों काफी खुश थे। अगले दिन जब वो ऑफिस जाती है तो सब उसे कंग्रेचुलेट फेस कर रहे थे, तभी वहाँ पे लियांग भी आती है और वो जियो के सामने ऐसे इनोसेंट होने का एक्टिंग करने लगती है और कहती है, आई नो मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दो, फलाना निमकाना पूरा कर रही थी। लेकिन तभी वहाँ पे यान की मोम आ जाती है और वो लियांग का पोल खोलने लगती है और कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुमने क्या किया? मुझे पता नहीं है मेरे बेटे को किस तरीके से तुमने उल्लू बनाया है, उसके प्रेग्नेंट होकर के तुम उसे ब्लैकमेल करती रही, उससे अपने सारे कॉलेजेस की फीस भरवाए और इस तरीके से तुमने उसे फंसा करके रखा। मेरी सीधी सादी बहू को तुमने इतना हैरेस किया है और तुम्हारी सारी असलियत मैं यहाँ पर सामने लाने वाली हूँ। कल इस तरीके से पार्टी में तो खुद ही स्टेज से गिरी और यहाँ पर मेरी बहू जियो को तुम ब्लेम कर रही थी। अब यहाँ पर जब लियांग के बारे में सबको पता चल जाता है तो सारे लियांग को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करने लगते हैं। जब जियो का बॉस यहाँ पर आता है तो यान के मामा से कहती है कि उसके बेटे ने जो कॉपरेशन किया था वो उस कॉपरेशन को कैंसिल करने के लिए आई है, अब वो कॉपरेशन लियांग के नाम पे नहीं जियो के नाम पे होगा। अब लियांग को यहाँ पर जॉब से निकाल दिया जाता है, उसने अब तक बहुत ही वीसीएस चीजें की हुई थी। फिर जियो यान की मोम को बाहर लेकर के जाती है और आज उसका हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलती है। उसकी मामा से कहती है कि भले ही अब उनके घर की बहू नहीं रहे लेकिन वो उन्हें अपनी बेटी की तरह हमेशा मानेंगे। वो कहते हैं, हमने सुना है कि फेंग तुम्हारा बॉयफ्रेंड और हम मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि क्या वो सच में तुम्हारे लायक है, नहीं तो तुम जब फ्री हो फेंग को हमसे मिलने के लिए जरूर लेकर के आना। जियो इस चीज के लिए तैयार हो जाती है और फिर वो ऑफिस जाकर के फेंग को थैंक्स कहती है क्योंकि उसे पता चला था उसकी मॉम के थ्रू किस तरीके से फेंग ने यहाँ पे यहाँ के मॉम डैड को अपने कंपनी का वो प्रोजेक्ट वगैरह दे दिया था। उसे थैंक्स कहती है और कहती है, भले ही यान के साथ अब उसका कोई रिलेशन नहीं है लेकिन उसके फैमिली ने उसे हमेशा अपने फैमिली की तरह पाला है, तो वो चाहती है कि फेंग उनसे जा करके मिले। फेंग कहता है, तो क्या तुम एक तरह से तुम मुझे अपने पेरेंट्स से मिलाने के लिए लेकर के जा रही हो? जियो कहती है, हाँ ये समझ सकते हो। तो फेंग इस चीज के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन वो यहाँ पर जियो के साथ यान के पेरेंट्स से मिलने के लिए चले जाता है, बहुत सारा गिफ्ट वगैरह भी लेकर के गया था। उसके पेरेंट यहाँ फेंग से मिलकर के काफ़ी खुश थे और वो थैंक्स भी बोलते हैं उनकी कंपनी के लिए ऐसे गिफ्ट वगैरह देने के लिए। अब यहाँ पे यान आता है और वो जियो को बहुत गुस्सा करने लगता है, वो काफ़ी ड्रंक था। जियो से समझाती है कि देखो मैंने तुम्हें बहुत मौका दिया था बट तुमने मेरी बात का ट्रस्ट नहीं किया, इस तरीके से लियांग ने तुम्हें धोखा दिया था, खैर अब हम लोग अलग हो चुके हैं, तुम्हें लाइफ में मूव ऑन कर जाना चाहिए। उसके पेरेंट भी यहाँ पे यान को डांट लगा रहे थे और अपने लाइफ को संभालने के लिए कहते हैं। जियो फेंग को लेकर के वहां से बाहर निकलती है और गुस्से में आकर के यहाँ पर यान लियांग को कॉल करता है और कहता है बेबी को अबॉर्ट कराने के लिए वो उसे कुछ पैसे कंपनसेशन दे देगा, जिस वजह से लियांग गुस्से में आकर के जियो का एक्सीडेंट करना चाह रही थी लेकिन फेंग आकर के उसका जान बचा लेता है। तब तक यान यहाँ पर आकर के लियांग को पकड़ लेता है और पुलिस वाले उसे लेकर के जाते हैं। इधर जियो फेंग को हॉस्पिटल लेकर के जाती है जहाँ पर कि यान जियो के आने का वेट कर रहा था। तो यहाँ पर वो जियो को सॉरी बोलता है और कहता है कि आज के बाद वो उसे कभी परेशान नहीं करेगा, आई नो लियांग की वजह से ऐसा हुआ है, इसी वजह से मुझे गिल्ट हो रहा है। और वो फाइनली यहाँ पर जियो को छोड़ करके चले जाता है। अगली सुबह जब यहाँ पर फेंग को होश आता है तब जाकर के उसे ठीक देख करके थोड़ा सा यहाँ पर जियो को चैन में चैन आता है कि एटलीस्ट वो ठीक तो है। वो उसे कहता है कि तुम मुझे दोबारा बचाने के लिए नहीं आओगे। फेंग कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं नहीं आऊँगा तो कौन होगा? और फिर इस ड्रामा का यहाँ पर हैप्पी एंडिंग होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। कीप वॉचिंग।